तो आज हम लोग वाइटल स्टडी एंड डेमोग्राफी में यूज़ ऑफ लाइफ टेबल देखने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में लाइफ टेबल का एडम्पशन देखा कि कौन कौन से मतलब लाइफ टेबल बनाने के लिए कौन कौन से एडम्पशन चाहिए हमें। इसके बाद हमने लाइफ टेबल के डिफरेंट कॉलम्स देखे, हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल देखा। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यूजेस ऑफ लाइफ टेबल। लाइफ टेबल असल में किस काम यूज़ आता है, मतलब किस काम में लगता है, हम वो देखने वाले आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए यूज़ ऑफ ए लाइफ टेबल लिख दिया है, तो आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आपको बताना शुरू करते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ लाइफ टेबल में क्या क्या बताया है। वन, गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द मोर्टैलिटी एक्सपीरियंस ऑफ द गिवन कम्युनिटी फ्रॉम द लाइफ टेबल। ठीक है, हमें यहाँ पे मोर्टैलिटी एक्सपीरियंस जो होता है फॉर अ गिवन कम्युनिटी, हमें ये पता चलता है लाइफ टेबल से। ठीक है, सेकेंड क्या है, द लाइफ टेबल इज यूज टू फाइंड द नेट रिप्रोडक्शन रेट या NRR। NRR हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, तो इसको निकालने में लाइफ टेबल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ NRR मेनली यूज होता है पॉपुलेशन ग्रोथ को यूज करने में या समझने में। एंड दे आर ऑल्सो यूज इन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन बाई द एज। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, NRR मतलब नेट रिप्रोडक्शन रेट, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रेजेंट किया जाता है या समझा जाता है वैसे ही, और द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन उसको भी समझने के लिए लाइफ टेबल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद क्या है, तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन और NRR। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यूज द लाइफ टेबल एज अ बेसिस टू डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रीमियम फॉर द पॉलिसी ऑफ द पर्सन ऑफ डिफरेंट एजेस। तो आपको पता होगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है डिफरेंट प्रीमियम मतलब डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट प्रीमियम फिक्स करते हैं, तो वो जो मतलब प्रीमियम फिक्स होता है उसके लिए भी जो स्टडी होता है वो लाइफ टेबल से स्टडी करके किया जाता है। इसका देखिए, द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट यूज द लाइफ टेबल फॉर डिटरमाइनिंग द रेट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयी। ठीक है, तो जो मतलब जो गवर्नमेंट्स है डिफरेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है, जो मतलब हमें जो रिटायरमेंट बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को देते हैं, इसके लिए भी लाइफ टेबल का स्टडी किया जाता है। डिफरेंट कॉलम ऑफ लाइफ टेबल फॉर टू और मोर कम्युनिटी मे बी यूज टू कंपेयर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव मोर्टैलिटी। जो रिलेटिव मोर्टैलिटी का केस था कि हमें मतलब दो कम्युनिटी को कंपेयर करना डिफिकल्ट हो रहा था, हम लाइव टेबल यूज करके हम वो भी कंपेयर कर सकते हैं कि हम दो से ज़्यादा कम्युनिटी को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं लाइव टेबल को स्टडी करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको लाइव टेबल समझ में आया। लाइव टेबल में क्या क्या यूज़ देखे हमने, हमने देखा मोर्टैलिटी एक्सपीरियंस ऑफ ए गिवन कम्युनिटी, हमें वो पता चलता है। हमें NRR मतलब नेट रिप्रोडक्शन रेट और पॉपुलेशन प्रोजेक्शन में लाइफ टेबल का यूज़ होता है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो रेट प्रीमियम के रेट फिक्स करने में यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट और द पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट जो रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं उसको देने में वो लोग लाइफ टेबल का इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट कम्युनिटी के रिलेटिव मोर्टैलिटी रेट निकालने के लिए भी लाइफ टेबल का यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूज़ ऑफ लाइफ टेबल समझ में आ गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर आप इसको फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।